भारत माता का कोई ऐसा जगह नहीं हो जहां तुष्टिकरण हो और भारत माता का अपमान हो, वहां हम सबों को मिलकर के भारत माता का जयकारा लगाना, वहां राष्ट्र के भाव को पैदा करना, सारे लोग कार्यकर्ता मिलकर के यही भाव है। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन केवल कार्यक्रम से जुड़ा रहता है, कोई ये सीजनल पार्टी नहीं होती, ये कार्यकर्ताओं के आधार पे पार्टी होती और कार्यकर्ता सब दिन काम करते। मैं भी आया हूँ इन लोगों के साथ मिलजुल करके बातचीत करूँगा। क्या लगता है इस बार के लोकसभा को लेकर किस तरीके की रणनीति रहेगी? स्थानीय कैंडिडेट होगा, बाहर से आएगा, तो मतलब कमलनाथ को घेरने के लिए क्या खास है? आप कमलनाथ को आप खोज रहे हैं, मैं पूरे भारत माता को देख रहा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में भारत माता की जयकारा होगा और नरेंद्र मोदी को फिर अधिक मतों से अधिक सदस्यों के साथ लोकसभा में संसद में बहुमत मिलेगा, उसमें छिंदवाड़ा भी रहेगा। तेजस्वी यादव ने एक बयान भी दिया था आपको लेके कि तिलक लगाने से और चोटी बढ़ाने से कोई हिंदुत्व का चेहरा नहीं होता, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने उनसे पहले भी कहा है, वो मुझे गाली दें क्योंकि वो युवराज हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, पैदाइश नेता हैं, हम लोग तो दर दर की ठोकरें खाने के बाद यहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन मेरी संस्कृति को ना गाली दें। ये सनातन की संस्कृति है, तिलक और शिखा जिसे वो टिकी कहा, तो ये हमारी संस्कृति को गाली ना दें। क्या उनमें हिम्मत है या किसी नेता में जो तुष्टिकरण की राजनीति करता हो, वो किसी दूसरे धर्म के ऊपर कोई कटाक्ष कर ले, कोई दाढ़ी और टोपी और पैजामा पर कटाक्ष कर ले, ये हिम्मत नहीं है देश में किसी राजनीतिक दल को नहीं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करते हैं। बिहार की सरकार कैसा भविष्य देखते हैं आप? बिहार की सरकार हमारी तो शुभकामना होगी, लेकिन रोपे बबूल तो आम कहाँ से हो?